নমস্কার, আপনারা দেখছেন গ্লোব নিউজ ঝাড়খণ্ড। সঙ্গে রয়েছে আমি প্রজ্ঞা, নজর রাখছি আজকের খবরে। কদমা থানার অন্তর্গত শাস্তিনগর 4 নম্বর ব্লকে অজ্ঞাত অপরাধীরা টাটা স্টিলের কর্মচারী লায়নের ঘরে নির্বিচারে গুলি চালায়। পার্কিং এ ফরচুন কারে গুলি চালায়। গাড়িতে 3টি গুলিও পাওয়া গেছে। অপরাধীরা হুমকি দিয়ে চিঠিও পাঠিয়েছে। পুরো ঘটনাটি সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। জানানো হচ্ছে যে তোলাবাজি না দেওয়ার কারণে অপরাধীরা এই ঘটনা ঘটায়। কদমা পুলিশ এর তদন্ত শুরু করেছে। दो खोखा बरामद हुआ, एक गोली का अग्रभाग बरामद हुआ, एक गोली का अग्रभाग बरामद अभी नहीं हो पाया। उनने काफ़ी प्रयास किए लेकिन नहीं मिला। लगता है सीट के अंदर स्पंज फंसा हुआ है। वह मालूम चला कि जब बाहर निकल देखा गाड़ी का ग्लास टूटा हुआ, फिर पता किया, पता चला कि रात 11 बजे कुछ आवाज़ हुआ था। जब हम और देखे तो देखे कि गोली का नीचे खोखा वगैरह गिरा हुआ। फिर उसके बाद थाना फोन किया, थाना वाले को पता चला कि गाड़ी में गोली चला है और कुछ चिट्ठी वगैरह भी लिख के दिया है, धमकी जान से मार देने का धमकी भी दिया है। अब उस सीसी फुटेज में भी 11 बजे के आसपास में उनका जो बदमाशी किया है उस तरह का पिक्चर वगैरह आया है। ये मोहल्ले के आदमी लोग हैं। इस तरह का यहाँ पे इस तरह का धमकी और इस तरह का माहौल फैला करके रंगदारी सुनना ये सब काम है। हम लोग टाटा स्टील का सप्लायर है। গ্রামাঞ্চলে আজ থেকে কোভিড-19 এর ভ্যাকসিনেশন শুরু হয়ে গেছে। প্রথম ভ্যাকসিন পটকা সামুদায়িক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রভারী মৃত্যুঞ্জয় ধাবড়িয়াকে দেওয়া হয়। আজ 100 জন স্বাস্থ্যকর্মীকে টিকাকরণ করার লক্ষ্য নির্ধারিত করা হয়। সবচেয়ে পহলা স্যার ভ্যাকসিন আপকো দিয়া গিয়া, কে আপনার মহসুস করেন? ভ্যাকসিন দিয়া গিয়া হ্যায় তো লগাই নেই কি হাম কুছ ইনজেকশন লিয়ে হ্যায়। আর দুসরি বাত হ্যায় কি ভ্যাকসিন তো লেনা হি থা, হামকো তো খুশি হো রহি হ্যায় কি আজ হাম ভ্যাকসিন লিয়ে হ্যায়। और हमारे एएनएम जो जिस तरीका से अभी वैक्सीनेशन कर रही है बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। और लेने के बाद भी अभी अगर कोई प्रेगनेंसी है किसी का या कोई माताएं अगर दूध पिला रही है बच्चे को तो उसको नहीं देना है, बाकी सबको हम लोग दे देंगे। तो आज पुटका के लिए और खास करके पुटका अस्पताल ब्लॉक के लिए सबसे शुभ दिन है कि हम लोग 9 महीने से कोविड को झेल रहे हैं और हमारे सभी स्टाफ टिकट करके पॉजिटिव हो गए थे। और आज अच्छा दिन है जो हम लोग को वैक्सीन स्टार्ट हो गया है। और सर ने एक दिन पहले सभी स्टाफ को वैक्सीन के बारे में मोटिवेट किया कि वैक्सीन लीजिए, इसे किसी तरह का दिक्कत नहीं है। और भी MGM और TMH में दिया गया है, हमारे स्टाफ भी मोटिवेट हो गए हैं, हमारे स्टाफ लेने के लिए तैयार हैं, किसी को किसी तरह का डर नहीं है। हमारे NM भी बहुत अच्छे तरीके से वैक्सीन दिए, पता भी नहीं चला कि वैक्सीन पड़ रहा है, इंजेक्शन लग रहा है। स्वास्थ्यकर्मी आज काफ़ी दिन को शुभ दिन मान रहे हैं। इनका कहना है कि आज वैक्सीनेशन हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुरू हो चुका है, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। ग्लोब TV झारखंड के लिए शंकर गुप्ता, जमशेदपुर। সরাইকেলা খাসাওয়া জেলার আদিত্যপুর নগর নিগম এলাকার ন্যাশনাল কংগ্রেস ওয়ার্কার্স কমিটির তত্ত্বাবধানে মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুবার্ষিকীতে মাল্যার্পণ করে তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এই অবসরে বিশাল সংখ্যক যুব কংগ্রেসীরা উপস্থিত ছিলেন। गांधी जी के माल्यार्पण के अशुभ अवसर पर महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दिए हम सभी, और सभी अपने कार्य सुचारू रूप से करना चाह रहे हैं। ভারতীয় জনতা পার্টির এসটি মোর্চার আজ হাল্লা বল পোল খোলের স্লোগান দিয়ে হাতাচকে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। এরপর ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের প্রতিমূর্তি পোড়ানো হয়। বতানা চাহতে হ্যাঁ কি হেমন্ত সোরেন নে জো বাদা কিয়া থা, জো লোগোঁ কো সুবিধা দেনে কি বাত কিয়া থা, বেরোজগার ভাত্তা দেনে কা বাদা কিয়া থা, টিচার পড়া শিক্ষকোঁ কো পার্মানেন্ট করনে কা বাদা কিয়া থা, উসকে সাথ হি সাথ জো বাহার সে প্রবাদী মজদুর আনে বালে থে উ লোগ কো মজদুরি देने का वादा किया था, आज वो सारा वादा भूल चुका है। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं महिलाएं 1200 से ज़्यादा आज महिलाओं का साथ जिस तरह से बलात्कार हुआ ये बहुत ही निंदनीय है। आज इससे पूर्व सरकार भाजपा सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी जिसमें हम लोग थे, और इस तरह की घटनाएं कभी जीवन में नहीं हुई थी। बहुत शर्मसार घटनाएँ हैं, बहुत सारी मानदेह पुटका से तमाम बेरोजगारी भाइयों से पूछा गया, एक ही परिवार को बेरोजगारी का भत्ता है तो दूसरी बात यहाँ का लोगों का रोजगार देने का कोई बात नहीं किया है। ऐसे आज झारखंड में देखा जाए हेमंत सरकार द्वारा कई महिला कई बच्ची के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और अत्याचार के
के साथ जो बलात्कार कर रहे हैं, हत्या कर दे रहे हैं, तो आज इस धरना के माध्यम से सरकार को हम एक विफल सरकार का जो एक आश्वासन था, आज इस सरकार में कोई आश्वासन भरोसा नहीं है। মনোহরপুরে জেজগুটু নামাবির চোলায় চার বছর আগে বাবার হত্যাকারী ছেলে আর তার মাকে লাঠি পেটা করে হত্যা করে। এরপরে বাড়ির সামনে মৃতদেহ পুড়িয়ে এবং সেই চিতার উপরে মুরগি রান্না করে খায়। জামশেদপুরে ভারতীয় জনতা পার্টি দ্বারা আয়োজিত মন্ডলস্তরের কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষণ শিবির কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। পার্টি আলাগ আলাগ বিষয় পে আলাগ আলাগ বক্তা হ্যাঁ শিক্ষক হ্যাঁ যো আকে বতায়েঙ্গে भारतीय जनता पार्टी का निर्माण, विकास, सोशल मीडिया एवं अन्य विषय पे इस विषय में कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा। और बहुत सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का मंडलों स्तर में ये प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। পুরো দেশের সাথে সাথে জামশেদপুর পুলিশ সদর দপ্তরে মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুবার্ষিকী অবসরে দেশের বীর শহীদদের স্মৃতিতে নীরবতা পালন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। জামশেদপুর পুলিশ সদর দপ্তরে জেলা সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট এবং সমস্ত উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা সহ পুলিশ কর্মীরা দুই মিনিটের নীরবতা পালন করেন। পশুডিস্থিত সোপোডেরা, চাঁদনি চক, মকদমপুর, সারজামনার মতো বিভিন্ন অঞ্চলের রাস্তার অত্যন্ত দয়নীয় অবস্থা হয়েছে। প্রায় 10-12 কিলোমিটার পর্যন্ত এই রাস্তার কারণে স্থানীয় মানুষের জীবনযাত্রা দুঃসহ হয়ে উঠেছে। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ হয়ে উঠেছে যে মানুষ এই রাস্তা এড়িয়ে চলে। 2-3 বছর আগে পিএসডি বিভাগ দ্বারা এই অঞ্চলে পল্লী জল সরবরাহ প্রকল্পের অন্তর্গত রাস্তা খোঁড়া হয়েছিল এবং প্রকল্পটি শেষ হওয়ার পরে বিভাগ কর্তৃক রাস্তা সমতল করা হয়নি। उस संवेदक ने जो रोड को खोद करके किया, उन्होंने रोड रिपेयरिंग करने का काम नहीं किया। और पिछले 3 माह पहले से विद्युत विभाग की ओर से केबल लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है, जिसमें इस क्षेत्र के सभी पीसीसी सड़क को खोद करके पूरा सत्यानाश कर दिया गया, पूरा बर्बाद कर दिया गया। खराब है कि जो आदमी चलने लायक नहीं है इस रास्ते से, और मेरा बस्ती का यही एकमात्र मुख्य सड़क है। अभी हाल ही में हम लोग दुकान सामने हैं, हम लोग का आए दिन में 2-4 आदमी तो गिर जा रहा है, एजेड आदमी का तो चलना मुश्किल है। तो ये जो समस्या है, क्षेत्र की समस्या, ये हम लोग 3 साल से लगातार ब्लॉक स्तर हुआ, जिला स्तर, इतना तक कि मुख्यमंत्री तक हम लोग ने इसकी जानकारी दी है। तो ऐसा नहीं कि काम नहीं होता है, काम होता है, परंतु सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। চম্পা বাহা 3 দিনব্যাপী মহিলা ও পুরুষদের ফুটবল প্রতিযোগিতা এবং শিশুদের জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। 3 দিনব্যাপী ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় হাজার হাজার ক্রীড়াপ্রেমী পৌঁছায় এবং ক্রীড়া উপভোগ করে। শনিবার জামশেদপুরের নামি দামি হাসপাতালের মধ্যে টাটা মোটরস হাসপাতালের সাফাই কর্মীরা অনিয়মিত বেতন প্রদান, গ্র্যাচুইটি এবং অন্যান্য দাবির বিষয়ে ঝাড়খণ্ড মজদুর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ডিএলসির কাছে একটি দাবিপত্র জমা করে। এর মাধ্যমে ইউনিয়নের জেলা সভাপতি কিশোরমুখী হাসপাতালের হাউসকিপিং এর সংবেদকের উপরে সেখানকার সাফাই কর্মীদের সাথে দুর্ব্যবহার করার অভিযোগ করেন। सफाई कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनका वेतन सही समय में नहीं देने के और 5 साल कम करने के बाद जो ग्रेजुएटी का प्रावधान है लेबर एक्ट के तहत उसको भी नहीं दिया जा रहा है। टाटा मोटर्स अस्पताल में जितने भी साफ सफाई का काम है वो सारे मजदूर करते हैं और उनका ठेकेदार जो है काम इंटरप्राइजेस वो उनको अत्यंत शोषण कर रहा है और जो आवाज़ उठाता है उसको काम से बैठा दिया जाता है। इसीलिए डर से कोई मजदूर पहल भी नहीं कर पाता है कि हम लोग अगर कंप्लेन करेंगे तो हमको नौकरी से निकाल देंगे। সরাইকেলা খারসাওয়া জেলার কোলাবিরা ফুটবল ময়দানে আদিবাসী তিলকা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে 2 দিবসীয় ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়। ম্যাচের উদ্বোধন করেন বিজেপির রাজ্য মুখপাত্র কুণাল সারেঙ্গি এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার সৌরভ তিওয়ারি। উদ্বোধনের পূর্বে প্রত্যেকে গান্ধীজির মৃত্যুবার্ষিকী অবসরে 2 মিনিটের নীরবতা পালন করে তাকে শ্রদ্ধা জানান। झारखंड तो फुटबॉल का ब्रीडिंग ग्राउंड है। झारखंड मयूरभंज जो उड़ीसा का इलाका है, पश्चिम बंगाल का झाड़ग्राम, ये जितने ज़िले हैं
मैंने कई बार राज्य सरकार के सामने ये मांग भी रखी थी कि यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की एक फुटबॉल अकेडमी बननी चाहिए जिसमें इन तीनों राज्य के युवा फुटबॉलर्स को मौका मिल पाए अपनी प्रतिभा को तराशने का। स्टार्ट हो रहा है इंडिया में क्योंकि अभी लास्ट 8-9 महीना से एज ए स्पोर्ट्स पर्सन बहुत डिफिकल्ट था कि हर तरह का ट्रेनिंग करना या कुछ भी करना। तो ये अच्छा चीज़ है कि धीरे धीरे करके स्पोर्ट्स अब इंडिया में स्टार्ट हो रहा है और एक अच्छा साइन भी है कि हमारे यहाँ पर फुटबॉल अभी लास्ट 2-3 साल में बहुत ज़्यादा हम लोग अच्छा खेलने लगे हैं। सरायकेला खरसावा जिलार आदित्यपुर स्थित डिओ कलोनी मध्य विद्यालय शिक्षिका नीलिमा देवी के विद्यालय शिक्षार्थीरा विदाय जानाय। ये हम लोग का जो ज्ञान हम आए हैं विद्यालय में बच्चों को करने के लिए, सारा परिवार गार्जियन जो विश्वास के साथ हमारे पास भेजते हैं, स्कूल में भेजते हैं, हमारा काम है बच्चों को तैयार करना, बच्चों को मुकाम पर पहुँचाना, तो हमने किया। बीच में मैं 14 में मुझे चार्ज मिला था विद्यालय का, मैं सीनियर होने के चलते, तो उस समय भी मैं बहुत काम की स्कूल को प्रोग्रेस करने के, स्कूल को बढ़ाने के लिए, और मेरे सभी सहायक शिक्षक ने मेरे बहुत साथ निभाया। इस तरह 5 साल मैं चार्ज में रही विद्यालय, और संध्या प्रधान जी मेरे यहाँ आई तो चार्ज ले ली तो मुझे बहुत राहत मिला, और उनका बहुत सहयोग से, सभी शिक्षकों के सहयोग से मैं आज इस समय तो पूरा सर्विस मैं पूरा कर चुकी।